छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में अधिकारियों को लूप लाइन में रखने का सिलसिला बरकरार है। पुलिस मुख्यालय में इन दिनों दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तस्वीर ऐसी जहां कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के पास काम का दबाव इतना है कि उन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं, तो दूसरी तरफ कई वरिष्ठ और काबिल अफसर दफ्तर में बैठकर अपना समय बिता रहे हैं। कुछ तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए पीएचयू आते हैं। पुलिस मुख्यालय में बिना काम के तनख्वाह पाने वाली अफसरों की फौज बढ़ती जा रही है। पिछले 10 महीने से इनके पास कोई काम नहीं है। कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो केवल हाजिरी लगाने ही मुख्यालय आते हैं। इनमें से कुछ आईपीएस अधिकारी पिछले सरकार में खास होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे अफसरों में कौन कौन शामिल है। दीपांशु काबरा। वरिष्ठ अफसरों की सूची में दीपांशु काबरा का नाम प्रमुख है। वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। उनके पास जनसंपर्क विभाग में आयुक्त सह संचालक का दायित्व था। वे परिवहन विभाग में आयुक्त के रूप में भी सेवाएं दे रहे थे। सरकार बदलने के बाद बतौर एडीजी पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर आनंद छाबड़ा। अफसरों की सूची में डॉक्टर आनंद छाबड़ा भी शामिल है। वे आईजी के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस मुख्यालय में उनके पास कोई महत्वपूर्ण प्रभार नहीं है। अजय यादव। पिछली सरकार के कार्यकाल में रेंज आईजी के रूप में फील्ड में काम कर रहे थे। कई जिलों के एसपी के रूप में काम कर चुके हैं। अभी पुलिस मुख्यालय में वे आईजी के रूप में ही काम कर रहे हैं। बीएन मीणा। सूची में आईजी बद्री नारायण मीणा का नाम भी शामिल है। वे भी आईजी के रूप में काम कर चुके हैं। डीआईजी बालाजी राव। डीआईजी बालाजी राव कई जिलों में एसपी व डीआईजी के रूप में काम कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में उनके पास कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं है। पारुल माथुर। एसएसपी बिलासपुर और डीआईजी सरगुजा के रूप में काम कर चुकी हैं। फिलहाल वे पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। उन्हें कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं दिया गया है। मुख्यालय में डीडीओ का दायित्व मिला हुआ है। उदय किरण। तेज थर्रार आईपीएस अधिकारी में शुमार एआईजी उदय किरण का नाम शामिल है। वे जिलों में एसपी के रूप में काम करने के बाद अब पुलिस मुख्यालय में आईजी है। डीआईजी अभिषेक मीणा, प्रखर पांडे और नेहा चंपावत भी पुलिस मुख्यालय में हैं। इन्हें पुलिस महानिदेशक ने कुछ दायित्व दे रखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर इनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। इन आईपीएस अधिकारियों पर भी गाज। बलौदाबाजार में एसपी रहे आईपीएस सदानंद कुमार। बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित, पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ। मुंगेली में एसपी रहे आईपीएस गिरिजा शंकर जायसवाल भी पुलिस हेडक्वार्टर में। कवर्धा में एसपी आईपीएस अभिषेक पल्लव भी बुलाए गए पुलिस हेडक्वार्टर। आईपीएस विकास कुमार को भी मिली कवर्धा में हिंसा की सजा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों को बिना काम के पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात रखने के बजाय अपराध नियंत्रण में इनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कब तक इन अफसरों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट।